अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और हमें कुछ जरूरी काम से मौदा आना था तो हम लोग आ गए हैं फिलहाल मौदा। और आज पूरा दिन हमारे लिए बहुत हेडेक वाला था, मतलब बहुत सारा काम था मेरे लिए आज। और दिन भर मैंने काम किया, सबा ने भी बहुत सारा काम किया। आप सोच रहे होगे फल में उधर फल में। हाँ, तो कुछ जरूरी काम आ गए थे, दो दिन बाद हमें शायद वापस भी जाना है। इंशाल्लाह आपको बताएंगे हम किस काम से मौदा पे आए थे। बस अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दुआ करिएगा कि वो काम हमारा हो जाए। और मुझे लगी है बहुत तेज भूख, अभी सबों को भी लगी है बेचारी, बहुत देर से मेरा वेट कर रही है। तो अभी मेरे लिए डर रही हो कबाब। आप सोच रहे होगे कि ऐसे बोलती रहती है, लेकिन सच में पहली बार कबाब चल रही हूँ मैं। ये बताओ, हर इंसान दुनिया में पहली बार तो करता होता है। कोई बात नहीं, पापा आ गए तो इसका मुंह देख। पापा ने अभी क्या है, रात में लोग कर रहे हैं यार 11 बजे रात में। तो अभी ये मतलब जिंदगी में पहली बार मेरे लिए कबाब चल रही है, क्योंकि हमारे इतने बनते नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बनते हैं कबाब। तुमने कहा हल किया है कबाब को अंदर तक सेकना चाहिए। नहीं, अंदर से तो ऐसे कोई कबाब चलता है, तुमने फाड़ लग दिया उसको, वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। फिर उसकी भुजिया बना दो फिर पूरी। देखो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, एक कबाब का कचूमर बना दिया है। सुनिए, जल्दी नाश्ता करिए, बहुत चलना है और इम्पोर्टेंट काम में। अभी हम लोग जामुन लेने के लिए आ गए फ्रेंड। जाम लगा दिए फ्रेंड, जामुन लेने के लिए जाम लगा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, जोहर की नमाज हो गई है और मैंने शुक्राने की नमाज ही पहले पढ़ ली है। हम अक्सर बाद में पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ये दिल किया कि यहाँ तक भी अगर कोई काम बना है तो उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। और अभी मैं जा रही हूँ रेडी होके बाहर काम से। देख रहे हैं गर्मी की हालत, देख रहे हैं फ्रेंड्स कितनी स्वेटिंग हो रही है यहाँ पे। और ये सारे काम जो होते हैं, क्या ये कोर्ट है ना, कोर्ट है, तहसील, मौदा में तहसील बोलते हैं, नहीं मतलब तहसील ही बोलते हैं। खैर अभी वो सब हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है और बैंग वैंग ये सब काम बहुत लेट होते हैं। हो जाए फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है भैया, मम्मी ठीक है, पिला रहा हूं आपकी दुआओं से। चलो भाई चलें प्लॉट देखने सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये है फ्रेंड्स हमारा प्लॉट, हम दोनों का, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका। लेकिन सनी और हमने जो जमीन खरीदी है पहली शादी के बाद साथ में, बहुत खुश हूँ मैं। सारे घर वाले बहुत खुश हैं, चाहे वो सबाई घर वाले हों चाहे मेरे घर वाले हों, सारे लोग बहुत खुश हैं। और हाँ, मतलब ये इतनी बड़ी चीज़ लग रही है मेरे लिए आज, कि जब इंसान कमाता है और जब अपने पैसे से कुछ चीज खरीदते हैं उसकी खुशी अलग ही होती है। इसलिए हमारे प्राउड ऑफ यू। नहीं नहीं, बस हम सब साथ में ही है कुछ। हाँ। मेरा अकेला नहीं है। अब जब शादी के बाद जितने भी ब्लॉग बनाती हूँ, जो करती हूँ, अगर उसमें सनी ना हेल्प करे तो मैं अकेले कुछ भी नहीं अर्न कर पाऊँ। तो जो भी है साथ में ही है, तो इसीलिए हम दोनों ने साथ में कुछ खरीदा है। और जमीन का ना एक अलग शौक था मुझे कि हमारी रोड पर जमीन होनी चाहिए मौदा में प्रॉपर्टी के रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई है। तो हम कभी सपना सोचा करते थे कभी लेंगे, हाँ सोचते थे कभी शायद अल्लाह ऐसा मौका ये हकीकत है, हमने ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से और हमारे माँ बाप की दुआओं से, रिश्तेदारों की दुआओं से, दोस्तों के सबके सपोर्ट से, तो बहुत सारा शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम आ गए हैं सनी की जो बहन है ना उनके ससुराल में स्वीट्स देने के लिए। उनकी सास जो है वो बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। बेटी खाला अभी आलू के पराठे बना ही रही थी, गरम गरम मजा आ गया। और सनी को खांसी बहुत आ रही है, तो हमने कुछ तो खा के चले जाओ। अच्छा, तो अभी हम लोग पराठे खा लेते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। बेटी खाला ने अच्छे गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दिए, तो सनी आ गए लेने और अभी हम चलते हैं। मुबारक हो, सबा का खिलावा, सबा का खिलावा, तू खिला रहा है। सबा की पहली प्रॉपर्टी है, हम उसको बधाई दे रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक भाई, हमें बहुत खुशी हुई, इतनी मेहनत कम से कम कामयाब से हो गई। और डा भाई मेरे तो मुझे बहुत खुशी ये हो रही है सच में। बाय। तो बबलू भाई के यहाँ पे होली है और उनके मिठाई नहीं थी, मिठाई भी हमने दे दी है। सत्य है, गाय लड़ रही है। कहाँ लड़ रही है? हाँ लड़ रही है, वही बात रही।
अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, आज के सारे काम हो चुके हैं, अभी चलते हैं नीचे और आराम से बैठ के बातें करते हैं। यही कपड़े प्रेस करा दिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है, जुम्मा है, आप सबको जो मुबारक, और बस व्लॉग में बने रहिए। और मैं नहाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। हाँ, ये आपके कपड़े। चलो ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हो गया हूँ तैयार, आप सबको जुम्मा मुबारक, और मैं जाता हूँ नमाज पढ़ने। सब अभी पढ़ रही है नमाज, नमाज के बाद मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। आपको क्या कर रही है? थोड़ा तीस बोलो। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी फटाफट सब कुछ करो जो करना है। हाँ, तो मैं वही बता रही थी कि इस बार हम अपना लगेज वगैरह कुछ नहीं लाए थे, बस ये लेके आए थे सबको देने के लिए। हाँ। तो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, आप भी बता दो। मैं करवा दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर। और वो प्रोडक्ट्स कौन से, किसका सेलेक्ट किया? हो गया है, मिलना मिल जाएगा। अरे वही, अच्छा है, तुम्हारी नीयत खराब हो रही है इसमें? नहीं 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 हो रही, पक्का? इंस्टाग्राम का काम शुरू करूंगी, फिर देर लग जाएगा। सारा सामान जो भी था हमें डिसाइड किया था कि हम इसको मजा लेके चलेंगे, और जितने भी मेरे दोस्त हैं जानने वाले हैं उन सबको देंगे ताकि यूज में आए वो सामान। ये आप जाके रुखसाना बाजी को दे दीजिए। कोई नीचे मिलने आया फ्रेंड्स, तो उनसे मिल लेते हैं। सनी के फ्रेंड के घर वाले आए। अच्छा हाल? अच्छा है यार, इनकी तल्ली हाल हुई। तल्ली नहीं मिल रही, तल्ली फिर बाद में ढूंढ के दो। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और ये ऐसे पहन जी, यहाँ से ये धूप की क्रीम है, फाउंडेशन भी है, धूप की भी क्रीम है। रुखसाना बाजी खुश हो गई, अम्मा को दिखा रही है। सबसे प्यारा गिफ्ट, थैंक यू। बोर हो गई होगी, आ जाती नीचे। देखो बोलो क्या लाई थी, ये लेके आई है। अच्छा है ना, कितना क्यूट लग रहा है। चलो खाना खाएं। बेटी खाला को लेने आ गए। तो बेटी खाला ने फ्रेंड्स बुलवाया था क्योंकि उसको बच्चे के लिए ना कुछ कुछ लेना था, और वो अम्मी के लिए लेना है। हाँ, अम्मी के लिए जो मैंने नोज के लिया था ना पेंस, वो मुझे लग रहा था मैं मदाम में भूल आई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने घुमा दिया है। जब मैं यहाँ आके ढूंढा तो नहीं मिल रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, हो जाता है कभी कभी, तो हम नया ले लेंगे। मंकी देखिए फ्रेंड्स किधर बैठ के खा रहे हैं, आम खा रहे हैं। सबसे पहले छोटी बेबी के कपड़े ले लेती हूँ, और अम्मा ने भी पैसे दिए हैं कि हमारी तरफ से भी कपड़े जो है वो ले जाना बेबी के लिए। अब क्या लेना है? चप्पल। चल इसकी चप्पल दिला दो। चलो की चप्पल भी हो गई है, बच्चों की चप्पल जल्दी टूटती है, चलते हैं ज्वेलर की शॉप पे। मेरे कानों में ना ऊपर भी पियर्सिंग थी, और मुझे लगता है मैंने 2-3 महीने से नहीं पहनी, मैं भूल गई थी कि उसमें ऊपर होल भी है। तो अब जब हम उसमें कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पीछे से जो है वो बंद हो चुका है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो बंद हो, इसीलिए हमने ज़बरदस्ती ना उसमें ये बाली पहनी है। और बेटी खाला ने ना छोटू बेबी के लिए ये बनवाए हाथ में पहनने के लिए, और क्योंकि अभी वो कड़े वाला नहीं पहन पाएगा, बहुत छोटू सा है ना, तो ये उसके लिए बनवाया। फिर हम आ गए स्टेशनरी, क्योंकि मेहर को अपने स्कूल के लिए कुछ चीजें लेनी थी जिसमें नेम और सब्जेक्ट लिखते हैं ना। भैया अम्मी के जो नोज पेंस थे वो बड़ी मुश्किल से हमने दोबारा मिले हैं, अभी ले लिया, अभी चलते हैं। इस बार संभाल के रहूंगी, अपने हाथ से अलग नहीं करूंगी। ये वाले लिए फ्रेंड्स, 4 बच्चों का है फ्रेंड्स, और हमें 5 बजे निकलना है। पीछे से शायद माला बनवा रहा है, क्योंकि जो बाजी की नंद है ना जो हज पे गई थी माशाल्लाह, वो लौट के आ चुकी है, तो उनसे मिलने जाना, उनसे मिलके फिर हम निकलेंगे झांसी के लिए। फ्लावर्स कितने अच्छे लगते हैं, यहाँ से स्वीट्स ले लेते हैं। निकाल लो अपनी काजू कतली, इतनी पसंद है काजू कतली, ये सब अभी आती हूँ जल्दी से। अभी मैं और अम्मा जा रहे हैं उनके घर मिलने के लिए, पास में ही, इसलिए हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। हो गया, टाइम से आ गए, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल, उन्होंने अम्मी के लिए नवाज भी दी है। मम्मी को दिया का? हाँ, मम्मी अलग दी थी। तो फ्रेंड्स हम लोग वहाँ से होके आ गए, जो बाजी की नंद है वो आई है हर से, तो फिर वो हम सबके लिए प्यारा सा तोहफा लेके आई है वहाँ से। जनमाज है, इसमें टोपी है, जमजम है, इसमें दिखा दो, इसमें दिखा दो, अम्मा के लिए हमारे खजूर है, कद्दू है, नमाज है, और ये तीन है बच्चों। और ले बाजी और यूसुफ भाई लेके आए थे। हाँ। कुछ यहाँ बच्चे खा लिए, कुछ वहाँ बच्चे खा लेंगे, कुछ मैं खा लूंगी, ये वाला बच्चा खा लेगा।
भाई साहब भाभी सब ठीक है। ठीक है अल्लाह मुहर्रम मनाई। थैंक यू। बीच रास्ते में कार रुकवा के तुम्हें ये मिठाई खानी थी। मेरी फेवरेट मिठाई। इधर हम लोग आ गए हैं अपने फैमिली ढाबा में जहाँ हम लोग हमेशा रुकते हैं मुंबई जाने के टाइम पे। ये रहा सामने। ये चटनी का है क्या सर? चटनी है ये चटनी वही है सलमान की आजकल। हाँ। इसलिए कि टमाटर और धनिया बहुत महंगी है यूपी में। ये नेचुरल लाइट है, आप बिलीव करेंगे? पिंक स्काई। आप देखो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ किया है कुदरत। स्काई बहुत अच्छा लग रहा है। सनी से का आपको याद है मैंने ये सूट कब पहना था? हाँ। तो सनी को भी एक सबसे अच्छा आंसर याद है अपना सेफ साइड का शादी के बाद। ऐसा नहीं है मैंने कब पहना था? आप याद करो। मेरे बर्थडे में? नहीं तो मक्का या मदीना में। ताइफ से दमाम जा रहे थे हम लोग। हमारी गाड़ी में कितना बड़ा मक्का घुस गया। चल भाई बाहर निकल गया। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब है झांसी आने वाला है। नीचे की सीट नहीं मिली। कोई बात नहीं, सीट मिल गई वही बहुत है। इतने कम टाइम में। कैसे ऊपर की है? वालेकुम अस्सलाम। चलो शुक्र है। अभी हमने फाइनली खाना खाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करके सीट ले ली क्योंकि इसमें बंदे भोपाल से आएंगे और अपनी वाली पे दो सीट ऊपर की है तो वहाँ तो खाने खाने कोई जुगाड़ है ही नहीं। हाँ। तो बहुत अच्छे स्टाफ वाले बेचारे, उन्होंने करवा दिया। खाना खाते हैं आराम से भोपाल तक, यहाँ बैठते हैं उसके बाद चलेंगे वहाँ पे। खाना खा के हम लोग यहाँ पे बैठ लेंगे भोपाल का। उसके बाद आधा सफर हमारा निकल जाएगा, वहाँ जाके सो जाएंगे। हर चीज की आसानी कर देते हैं अल्लाह पाक और कुछ अच्छे लोग लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपके बच्चों को सामने वाला भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। ट्रेन चल रही है हमारी झांसी स्टेशन से अपने सफर के लिए। बड़े लोग खुश होते हैं भाई मुंबई जाने। वाह 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 भाई। बोलो 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 ना। आने में भी उतना ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। खाइए खाइए खाइए। झांसी स्टेशन। तो अम्मा को फोन करके बता दूं मैं पहले। आज मेन्यू में क्या है देख लीजिए, बहुत अच्छा खाना है। क्या क्या है मेन्यू में आज? दाल है। नहीं नहीं पनीर है, पहले मैं पनीर दिखा रहा हूँ। पनीर है, मिक्स वेज है, दाल है, रोटी है, दही है और अचार। और एक चीज और क्या रही है? सैलेड। प्लेटफॉर्म में सबको सोते हुए देख, ये सब बैठे हुए देख, बचपन की याद आ जाती है ना। एक बार हम पेपर बिछा के सोया था कानपुर में। हाँ। मेरी ट्रेन छूट गई थी। हाँ। फिर वहीं सो गया था मैं। पापा हम लोग को अपना से कोई चादर आदर में। हाँ। बैठा के ऐसे सुला देते थे। पहले कोई रूम लेता ही नहीं था, चार पाँच घंटे प्लेटफॉर्म पे सही आराम से। मजा भी आ जाता ना। मजा भी आता। पूरी सब्जी घर से बना के लेके और खाओ, वहीं हैंड पाइप से पानी भर के लेके आओ। मुझे भोपाल घूमना है। मैं मतलब सुना है भोपाल अच्छा है बट मैं कभी आज तक आया नहीं हूँ। पानी आ चुका है, मैं पीऊंगी ग्रीन टी। ये जो होटल से मैं उठा लेती हूँ ना काम आ जाती है, पर्स में पड़ी रहती है। चलिए फ्रेंड्स आ गया मुंबई, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मिलना चाहिए ना। अभी दो दो दिन में। कैसी हो? ठीक है। तुम तो बिल्कुल देख ही नहीं रही हो। टिश्यू ठीक कही थी, सब ठीक है। तो आ चुके हैं फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह। हम घर अभी दो दिन पहले ही गए थे। अम्मी तो भेज भी नहीं रही थी। हमने कहा अम्मी जमीन का मसला है, जाने दो जाने दो। अम्मी कह रही अभी तो आई हो। अम्मी तो इतनी ज्यादा हो गई, बोलती कि सनी का नाम ही करा लो तो मत जाओ। लेकिन फिर सनी ने जिद किया तो हमने कहा चलो ठीक है। जाते वक्त तो बड़ा अजीब लग रहा था लेकिन अच्छे, मतलब कभी ऐसे नहीं गई। हाँ जैसे खाली हाथ उस दिन ऐसे खाना तक नहीं, ब्रेकफास्ट तक नहीं करके गई। मतलब
तबीयत भी ठीक नहीं थी लेकिन बस चली गई। मम्मी का दिल नहीं लग रहा था। अंडे आलू दो दिन रखे रहे थे। मम्मी कहती मम्मी कहती मुझसे खाया तक नहीं जाएगा, तुम भूख ही जा रही हो, लेकिन चलो हो गया मम्मी आपकी दवा से काम। सनी को अंडे आलू पसंद थे उस दिन, तो मैंने कहा बनाती हूँ। फिर वो जल जल मैं कुछ दिन भर भाई से बोला आज कुछ नहीं खा रहे बच्चे, कुछ नहीं खा रहे, क्योंकि मेरा था मैं जा रही हूँ, नहीं जा रही, नहीं जा रही, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। फिर हमने सोचा इतने दिनों से जिस चीज का हमने जमीन का इंतजार किया था, अगर नहीं जाते ना तो फिर टल जाता है, तो फिर नहीं मिल पाती। हिम्मत करी हाँ और हो गया, बहुत खुशी की बात है, सब लोग बहुत खुश है। आपको अच्छा लगा? मिठाई खिलाएंगे। अब चलते ऊपर थोड़ी देर बाद छोटू बेबी से मिलने के लिए। अब तो एक अलग ही खुशी होती है कि उससे जाके मिलना है। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, और आप सबका फिर से एक बार शुक्रिया कि आप सबकी दुआओं की वजह से हमें जो छोटे छोटे आप अपने सपने पूरे करते हैं उसमें आप सबका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है और सबकी दुआएं है। तो आप सबको भी दिल से थैंक यू, मम्मी थैंक यू कह दो। शुक्रिया। हाँ मैं चलती हूँ, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को बोलो कीजिएगा। चलो अपना ख्याल रखो, तुम अपनी तबीयत ठीक कर लो, ये बहुत ज्यादा बीमार है। मम्मी नहीं सर्दी अभी अच्छे से नहीं ठीक है, दवाई रखिए। हाँ उस टाइम भी छूट गई थी। फिर से दिखा देना। चलो अल्लाह हाफिज़।